हेलो फ्रेंड्स, अपने इस ट्यूटोरियल में हम ऊप के एक मेन कंसेप्ट डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल। यानी कि यूजर को जिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है सिर्फ उतना ही उसे प्रोवाइड करना और उसके पीछे की इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के पीछे उनका इम्प्लीमेंटेशन कोड क्या है वो उससे हाइड कर लेना। लेट अस सपोज हम फैन को ऑन करना चाहते हैं, हमारे पास एक स्विच है, हम स्विच के पास गए, हमने स्विच को ऑन किया और फैन जो है वो ऑन हो गया। यूजर को उसका बैकग्राउंड डिटेल यानी कि उस तार यानी कि फैन के लिए करंट कहाँ से आया, करंट कैसे पास हुआ, क्या उसके पीछे वायरिंग क्या है, उसे उसे कोई उसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके उसे सिर्फ ये पता है कि जस्ट उसने स्विच ऑन किया और जो फैन है वो ऑन हो गया। सिंपली C++ का जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट है वो भी यही है कि यूजर को सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है जितना उसे जरूरी है, बाकी का सारा बैकग्राउंड डिटेल उससे हाइड कर लेना है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग टेक्निक का एक मोस्ट रिलायबल पार्ट है, यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन को आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं आप उसे पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, और जिसे आप शेयर नहीं करना चाहते आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आप उसे हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि आप एक नंबर लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं, आपने सॉर्ट का फंक्शन लगाया और लिस्ट जो है वो सॉर्ट होके आपको आउटपुट मिल गया। यानी कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट यूज हुआ है, बबल सॉर्ट यूज हुआ है या इंसर्शन सॉर्ट यूज हुआ है, आपको कुछ नहीं पता, सिंपली आपने नंबर लिस्ट दी और लिस्ट सॉर्ट होके सॉर्ट फंक्शन के थ्रू आपको आउटपुट मिल गया। इसे ही हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इन C++ वी यूज वेरियस फंक्शन लाइक सी आउट, सी इन टू गेट द आउटपुट और टू टेक, हम आउटपुट को एंटर करने के लिए, आउटपुट को गेट करने के लिए हम सी इन सी आउट का यूज करते हैं, और ये फंक्शन जो है वो हमें iostream.h हेडर फाइल में मिलते हैं। सिंपली आपने iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड की अपने प्रोग्राम में और आप इन सी आउट के थ्रू जो भी स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप कर देते हैं। आपको ये नहीं पता कि सी आउट फंक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन है, किसके थ्रू वो किस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करता है, आपने सिंपली iostream.h इंक्लूड की है और जो भी आप स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं आप सी आउट के थ्रू उसको प्रिंट करवा लेते हैं। दैट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि सिंपली आपने फंक्शंस का यूज कर लिया, आपको उसके पीछे की बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं पता। अब बात आती है एक्सेस लेबल्स फॉर डाटा एब्स्ट्रैक्शन। देयर आर टू बेसिकली एक्सेस लेबल फॉर डाटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज पब्लिक लेबल एंड प्राइवेट लेबल। आप जिस डाटा को पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं आप उसे पब्लिक लेबल के अंडर रखेंगे, और जिस डाटा को आप प्राइवेट रखना चाहते हैं यानी कि हाइड करना चाहते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड आप उसे प्राइवेट लेबल के अंडर रखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, क्या बेनिफिट्स हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन के, या ये ऊप्स का एक मेन कंसेप्ट क्यों है? Class internals are protected from inadvertent user level errors which might corrupt the state of object. Let us suppose आप एक user, आप एक developer हैं, program developer हैं, आपने एक program develop किया है और आप उस program में कोई mistake आ जाता है, user के पास तो कोई information नहीं है, आप अपने आप उस में changes कर सकते हैं, यानी कि आपको user level में change करने की जरूरत नहीं, आपने अपनी programming में change किया और उस चेंज को आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, यूजर को इसके बारे में नहीं पता। अगर ये कोड यूजर लेवल भी यूज कर सकता तो उसको क्या करना होता, पहले आपको यूजर को डिनाय करना पड़ता, फिर आप उसमें चेंजेस करते, फिर वो यूजर को मिलता। यही डाटा एब्स्ट्रैक्शन का बेनिफिट है कि आप यूजर को कोड दिए बिना सिर्फ यूजर जो है उसे यूज कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। जो चेंजेस करना चाहते हैं वो सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है, और वो सिर्फ डेवलपर के हाथ में ही है कि वो किस कोड को यूजर को देना चाहता है और किसे नहीं देना चाहता। ये था हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। मिलते हैं अपने न्यू कंसेप्ट के साथ अपने न्यू ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।